हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के गोलगप्पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप सूजी। आपके घर में जो भी कप हो, आप उससे अपनी सूजी मेजर कर सकते हैं। और ये सूजी मैंने ली है मोटी वाली सूजी। तो इस सूजी को हम पहले अच्छी तरीके से छान लेंगे। और आपने जिस कप से सूजी नापी है, उसी कप से हमें तेल नापना है। तो हम लेंगे उसी कप के अकॉर्डिंग 1/4 कप ऑयल। ये ऑयल कौन सा होना चाहिए? रिफाइंड ऑयल। क्यों? क्योंकि और तेलों में थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। तो आप सफोला तेल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो 1/4 कप लेंगे ऑयल। और इस ऑयल को मैंने क्या किया है, बीच में थोड़ा सा स्पेस बना दिया और इस ऑयल को फिल कर दिया। अब हाथों की सहायता से इसे धीरे धीरे हम सूजी के अंदर मिक्स करेंगे। तेल की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि आपकी सूजी इस तेल से गीली हो जाए। उससे क्या होगा, आपके सूजी के गोलगप्पे बिल्कुल ऐसे बनेंगे जैसे कि बाज़ार में बनते हैं। तो देखिए, पूरी सूजी के अंदर मैंने तेल को मिक्स कर दिया है। धीरे धीरे हाथों से चारों तरफ से सूजी को लेकर के इस ऑयल को हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं सूजी बिल्कुल गीली हो चुकी है। और फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा सीक्रेट जो है सूजी के गोलगप्पे बनाने का, कि सूजी के गोलगप्पे का जो आटा लगेगा, उसके लिए हमें नॉर्मल वाटर का यूज़ नहीं करना, हमें यूज़ करना है बॉइल्ड वाटर। तो हम पानी उबाल लेंगे अच्छे तरीके से और उबले हुए पानी का उस तरीके से यूज़ करेंगे जितनी कि हमें पानी की ज़रूरत होगी। ये जो आटा लगेगा, ये ना तो बहुत ज़्यादा टाइट लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और मैंने इसको मिक्स कर दिया। अभी फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ बस। अभी इसमें पानी की और ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा पानी और लूँगी और इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा पानी और मिला दिया और सूजी को अच्छी तरीके से भिगो दिया। क्योंकि फ्रेंड्स, जो सूजी होती है ना, वो पानी को सोख लेती है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी इस्तेमाल होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी इस्तेमाल नहीं होगा। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी हम यूज़ करेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं कि सूजी सूखी हुई है। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा पानी और ले लिया और इसको ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस टाइम अभी हमें सूजी के साथ कुछ नहीं करना, बस सूजी को पानी में भिगो दिया। अब इसको इकट्ठा करेंगे चारों तरफ से। सूजी देखिए, आप थाली में पूरी फैल गई है। तो मैं इसको धीरे धीरे हाथों से इकट्ठा कर रही हूँ और पानी को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी गीली हो गई है। लेकिन आप 10 से 15 मिनट बाद जब रेस्ट के बाद देखेंगे सूजी, आप देखेंगे बिल्कुल पानी को सोख लेगी। तो फ्रेंड्स, देखिए सूजी को मैंने अब इकट्ठा कर लिया। अब इसको रेस्ट कराने की बारी आ चुकी है। सूजी इकट्ठी हो गई। एक और थाली लेंगे और दूसरी थाली से हम इसे ढक देंगे। आप चाहें तो गीले कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो मैंने इसे एक प्लेट से ढक दिया है और इसे मैंने 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। चलिए अब देखते हैं कि कैसी हो गई है सूजी। देखिए फ्रेंड्स, सूजी हो गई है मोटी, क्योंकि सूजी ने पानी को सोख लिया है। उस टाइम आप देख रहे थे कि सूजी कितनी गीली गीली नज़र आ रही थी, लेकिन सूजी गीली नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि आप तेल थोड़ा कम यूज़ करोगे तो आपके गोलगप्पे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। क्योंकि आपको पता है, जितना हम रिफाइंड का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, घी इस्तेमाल नहीं करना, रिफाइंड ऑयल ही इस्तेमाल करेंगे। और अब क्या करेंगे, हथेली की सहायता से हम इसको धीरे धीरे मसलना शुरू करेंगे, जैसे कि मक्की का आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए, मैंने आटे को इकट्ठा कर रही हूँ और इसको हथेली की सहायता से मसल रही हूँ। अभी मैं आपको एक और सीक्रेट बताऊँगी, जो कि जो दुकान वाले होते हैं वो यूज़ करते हैं। शायद वो वाला सीक्रेट किसी ने भी आपके साथ अभी तक शेयर नहीं किया होगा। अभी तो मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा मुलायम कर रही हूँ। अब आटा हथेली की सहायता से इकट्ठा कर लिया था। अब फ्रेंड्स, क्या करना है, इस आटे को लेना है और थाली में ज़ोर ज़ोर से पटकना है। पर ऐसा हम कब तक करेंगे, जब तक कि ये जो सूजी है बिल्कुल आटे की तरह, जैसे आटा लगाते हैं ना हम नॉर्मल, बिल्कुल वैसी नज़र ना आने लगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये प्रोसेस हमें करते रहनी है। हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, मुझे 15 मिनट लगे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। हो सकता है आपको 15 से थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लगे, लेकिन 15 मिनट तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। आप जितनी तेज़ इस आटे को पटक सकते हैं, उस तरीके से आटे को पटकते रहें, इकट्ठा करें, थाली में पलटें, इकट्ठा करें, पलटें, इकट्ठा करें और पलटें। देखिए फ्रेंड्स, आटा कैसा होता जा रहा है, धीरे धीरे आप देख सकते हैं आटा चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं मुलायम होता जा रहा है
मुलायम होने के साथ साथ इसके जो सूजी के दाने थे वो बिल्कुल ख़त्म होने लगे हैं। ये आटा एकदम नॉर्मल आटे की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स कितना चिकना आटा रेडी हो गया है। बस अब क्या है, गोलगप्पे बनाने शुरू करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, छोटी छोटी सी लोइयाँ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल चिकना आटा, बिल्कुल सूजी के दाने नज़र आने बंद हो गए। इस जो फ्रेंड्स अगर आप तुरंत की तुरंत इसके गोलगप्पे बनाना नहीं चाहते तो आप एक गीला कपड़ा लेंगे और इस आटे को इसे ढक देंगे। लेकिन मैं साथ के साथ इसके गोलगप्पे एक एक या दो दो गोलगप्पे बेलूंगी और उन्हें आपको हाथ के हाथ सेक कर दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं। किस तरीके के गोलगप्पे बनाना चाहते हैं, आपको लंबे गोलगप्पे पसंद हैं या गोल गोलगप्पे पसंद हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं दोनों तरह के गोलगप्पे बनाऊंगी। अब मैंने एक छोटी सी लोई ली, इस पर हल्का बेलन चलाया, बस इसे उठाएंगे और सीधे हम कढ़ाई में डालेंगे। तेल गरम करेंगे तेज़ गैस पर, उसके बाद गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे, ना तेज ना बहुत धीमे। ये मैंने गोलगप्पा इसमें डाला और देखो डालते ही हो गया फूल कर रेडी। मैं आपको और भी गोलगप्पे बना के दिखाऊंगी। फ्रेंड देखिए मैंने इस टाइम बहुत तेज़ गैस नहीं कर रखी है, मैंने जो ऑयल है उसको तेज़ गैस पे गर्म किया था। और देखिए दो गोलगप्पे मैंने पहले ही बना दिए थे, एक गोलगप्पा ये रहा और मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड इसके अंदर डाला मैंने और देखेंगे आप कैसे गोलगप्पा फूल के रेडी हो जाता है। आप चाहें तो सारे गोलगप्पे एक बार में बेल के रख सकते हैं और उसे गीले कपड़े से ढक दें। फ्रेंड्स कभी भी गोलगप्पों को ना खुला नहीं छोड़ना होता, उन्हें हमेशा गीले कपड़े से ढकना होता है। या आप मेरी तरह कर सकते हैं, एक या दो गोलगप्पे बनाएं, उन्हें साथ के साथ कढ़ाई में डाल लें, सेकें और उसे निकाल लें। देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से फूले हुए गोलगप्पे निकल के तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक गोलगप्पा देखिए फूल गया है बिल्कुल, और दूसरा गोलगप्पा भी फूलने वाला है। और इनको लगातार चलाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा लाल और कुरकुरे नहीं सेकना है, इन्हें हल्का सा सेकते हैं और उसके बाद निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड गोलगप्पे रेडी हो चुके हैं, बस अब हमें निकाल लेंगे ये वाला गोलगप्पा। इसको एक दो बार और पलट देते हैं, ये देखिए कुछ ज़्यादा ही फूल गया, वापस अपने आप पलट जा रहा है। तो ये दोनों गोलगप्पे रेडी हैं, चलिए इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। ये देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ऊपर क्योंकि ये फूल पलटने में थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा था तो उसके ऊपर मैंने परछी से थोड़ा तेल डाल लिया है। आप देखिए फ्रेंड बिल्कुल जिस तरीके से दुकान वाले गोलगप्पे होते हैं सेम वैसे ही गोलगप्पे हैं ये। अभी और दो तीन और गोलगप्पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने लोई तैयार की, इसे हल्का सा दबाया, प्रेस किया बीच में से और हल्के हाथ से बेलन को आगे पीछे करके इसको मैंने लंबे गोलगप्पे की शेप दे दी और इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। एक और गोलगप्पा इतने बना लेते हैं। देखिए उसी तरीके से मैंने दोबारा एक लोई ली, इसको हल्का सा दबाया और बेलन की सहायता से दो या तीन बार में मेरा गोलगप्पा तैयार हो गया। अब करछी लेंगे, एक और गोलगप्पा तैयार कर लेते हैं। चलो अब इन्हें पलट देते हैं, ये गोलगप्पा फूल के रेडी हो चुका है। इतने दूसरा वाला गोलगप्पा देखते हैं, ये भी फूल कर तैयार हो जाएगा। देखिए ये गोलगप्पा भी फूल के तैयार हो गया। अब बस इन दोनों को अच्छे से सेक देंगे। देखिए फ्रेंड्स कैसे फूले फूले गोलगप्पे बन रहे हैं। तो आप भी अब घर पे बना सकते हैं, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपके गोलगप्पे कैसे बने, दुकान वालों से अच्छे बने या नहीं बन पाए। शेयर करें आप मेरे साथ ज़रूर, कमेंट करें मुझे। देखिए फ्रेंड गोलगप्पा बिल्कुल तैयार है, बस इसे निकाल लेंगे अब। ये देखिए फ्रेंड ये गोलगप्पे रेडी। देखिए कलर देखिए अब कितना सुंदर कलर आ रहा है, सुनहरा कलर एकदम, सुंदर सुंदर गोलगप्पे छोटे छोटे। एक और गोलगप्पा बनाते हैं। ये देखिए हाथों से लोई तैयार की, बस इसको प्रेस किया, बेलन लिया और दो बेलन में एकदम हल्के हाथ से बेलन चलाना है और इसके अंदर दोबारा से डालेंगे और गोलगप्पे को ये देखिए फ्रेंड जाते ही कैसे कढ़ाई में फूलने लगता है गोलगप्पा। वाह कितना टेस्टी गोलगप्पा, देखते ही मन करे। देखिए फ्रेंड मैंने गैस बहुत तेज़ नहीं कर रखी, इस टाइम मेरी गैस मीडियम है, बिल्कुल मीडियम गैस पे मेरे गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं। एक और गोलगप्पा मैंने डाला, तो आप देखिए फ्रेंड किस तरीके से मैंने धीरे धीरे दो दो करके काफ़ी सारे गोलगप्पे बना लिए हैं। आप चाहें तो अपनी फ्रेंड की हेल्प भी ले सकते हैं और गोलगप्पे बेल लीजिए और उन्हें एक गीले कपड़े से ढक दीजिए और इकट्ठे सेक लीजिए। दोनों ही तरीके ठीक हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरीके से बना सकते हैं। मुझे इस तरीके से पसंद है कि मैं एक दो दो गोलगप्पे बेलती बनाती जाती हूँ और उन्हें सेकती जाती हूँ। तो आपको जो पसंद हो, आपको जिस तरीके का पसंद आए आप वैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड ये दोनों गोलगप्पे भी मेरे बन के तैयार हो चुके हैं। हाँ फ्रेंड्स एक चीज़ और, जो हम गोलगप्पे को ठंडा करेंगे वो कभी भी पंखे के नीचे ठंडे नहीं करने, कभी एसी के रूम में नहीं ठंडे करने। हमें इसे जहाँ पर हमने किचन में बनाए थे
उसी की सेल्फ पर इसे नॉर्मल टेम्परेचर, जो भी किचन का टेम्परेचर है उस पर हम इन्हें छोड़ देंगे। और जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे उसके बाद आप इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर लेकर के उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं 1 वीक के लिए। तो अभी मैंने थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे गोलगप्पे कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं, क्योंकि अभी तो बहुत गर्म है। अब बस इसके लिए हम 5 से 7 मिनट का वेट करेंगे और इसके बाद मैं आपको चेक कराती हूँ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर टेक्सचर आया है, बिल्कुल जैसे कि मार्केट के गोलगप्पों का होता है, बिल्कुल उसी तरीके से फूले फूले गोलगप्पे रेडी हुए हैं। देखिए फ्रेंड, ये ठंडा करने के बाद देखिए किस तरीके से पूरा गोलगप्पा एकदम टूट गया है। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनके गोलगप्पे पूड़ी जैसे बनते हैं, आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो फ्रेंड आपका गोलगप्पा कभी भी पूड़ी के जैसा नहीं बनेगा। देखिए एक और गोलगप्पा, देखिए किस तरीके से, ये आवाज़ सुन सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल एकदम क्रिस्पी और क्रंची गोलगप्पे तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।